नमस्कार। टॉप 5 की सीरीज में अब सीधा वर्ल्ड चैंपियन पे आ जाते हैं। मैग्नस कार्लसन के गेम्स देखने वाले हैं आज हम। टॉप 5 उनके जो बेस्ट पोजीशन मुझे लगते हैं पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 में बहुत जल्दी मैंने प्लान किया है। मैंने एक छोटा सा पोल किया था कि मिखाइल ताल और विश्वानंद के बाद किस प्लेयर के आप ज्यादातर गेम्स देखना चाहेंगे। तो ज्यादातर लोगों ने मैग्नस कार्लसन का नाम लिया था। उसके अलावा मैंने बहादुर जोबोवा की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो इस पोजीशन में आप देखिए, जो फर्स्ट पोजीशन मैंने सिलेक्ट किया है वो 2004 का है। 2484 रेटिंग था उस वक्त मैग्नस कार्लसन का। उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे डेफिनेटली। अर्नस्ट जो प्लेयर है ब्लैक से, उनका भी 2474 रेटिंग था। तो अच्छा खासा रेटिंग था उनका भी। रुक D8 के बाद क्वीन E2 खेला यहाँ पे। D5 से क्वीन को हटा लिया। C5 कारोकान का ये एक बहुत ही कॉमन सा आइडिया है, C5 ब्रेक देना, राइट। एंड यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने नाइट G6 खेल दिया, राइट। या जब जहां तक मुझे पता है ऐसे मूव्स कारोकान में आ जाते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। F(G6) मारा, Qe6, King H8, Rf7 आप डेफिनेटली नहीं आ सकते हो बिकॉज पॉन टेक्स पॉन आ रहा है और F7 मर जाएगा, राइट। King H8 को उन्होंने H(G) मारा, और यहां तक भी लग रहा है कि चलो दो पॉन मिले उनको और थोड़ा किंग साइड अटैक है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि H5 ओपन हो गई है और H8 पे किंग जो है वो उतना अच्छे नहीं है, और Bh6 कभी भी आ सकता है, राइट। तो उसको रोकने के लिए Ng8 खेला ब्लैक ने। Ng8 को आने के बावजूद मैग्नस कार्लसन ने सीधा मार दिया Bh6। जैसे ही आप Gh6 मारोगे यहाँ पे, तो Rh6 भी मार दिया उन्होंने। मतलब अब इस पोजीशन में देखिए, अगर आप Nh6 मारते हो तो मैग्नस कार्लसन एक दो तीन तीन पीस डाउन है, राइट। और उसके बावजूद वो बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं ले रहे गेम को, क्योंकि जैसे ही Qe7 मारा, अभी भी दो पीस डाउन है, बट किंग का पोजीशन जो है बहुत ज्यादा खराब है और व्हाइट का किंग मस्त बैठा है, बढ़िया बेहतरीन, राइट। तो Qe7 मारा, Nf7 खेला। अब H7 मेट लगी हुई थी तो उसको रोकने के लिए उन्होंने खेला Gf7। दो पीस ले चुके हैं पिछले दो मूव में, एक रुक डाउन है अभी भी। लेकिन King G7 को यहाँ पे उन्होंने खेला Rd3। अब यहाँ पे देखिए कि लकीली या फिर विथ कैलकुलेशन आप बोल सकते हो कि ये गार्डेड है, इसलिए बैक रैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। Rg3 चेक, और बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ हो गई मुझे लगता है ब्लैक की अभी। Rd6 खेला Rg7 आने के लिए। Rg3, Rg2 G6। अब डायरेक्टली अगर आप इसको मारोगे, जैसे कि Rg6, King G6 और Qf8, तो यहाँ पे सिंपल श और मात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे Qe5 चेक दिया, King F7 चेक, Rf7 एंड देन सिंपली मेट Qd7। अब देखिए कि यार बंदा रुकअप है, लेकिन ऐसी बेहतरीन मेट लगा मैग्नस कार्लसन ने, वो भी 2004 में, राइट। वो उनका बोलना उस वक्त वो बढ़ ही रहते आगे, उनका स्ट्रेंथ था ही वर्ल्ड लेवल पे जाने का, राइट। सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, और नेक्स्ट गेम जो है वो हम मैंने सिलेक्ट किया है मैग्नस वर्सेस गैरी कास्परोव। मतलब पूरे जो चेस का दुनिया के जितने जो टॉप 3 प्लेयर्स है ना, मतलब कोई भी अगर लिस्ट बनाएगा तो मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पर और बॉबी फिशर, इन तीनों को मोस्टली इंक्लूड करते हैं। इन दोनों के बीच एक गेम हुआ, ये उसी उसी टाइम का था, 2004 का। मेरे ख्याल से 13 साल के आसपास थे मैग्नस कार्लसन तब। गैरी कास्परोव के साथ खेल रहे थे। गैरी कास्परोव इतने महानतम खिलाड़ी थे उस वक्त, मैग्नस कार्लसन इतने बड़े प्लेयर नहीं थे। आज हम बोल सकते हैं कि वो उनके समकक्ष हैं। लेकिन इस गेम में क्या हुआ कि व्हाइट ने सिंपली H3 खेला, क्योंकि H2 मर रहा था। Nb6, Bf6, Nc4 एंड Ne4। अब आप F6 मारोंगे तो C4 मर रहा है और आपका स्ट्रक्चर तो किंग साइड का गया, राइट। Bh2 चेक दिया, King2 H1 एंड Nd6। अब गैरी कास्परोव कैसे तो कोशिश कर रहे हैं कि चलो इस पोजीशन में अगर पीस एक्सचेंज हो जाते हैं तो इंड गेम में आप डेफिनेटली IQP पे, आइसोलेटेड क्वीन पॉन पे प्रेशर बना के खेल सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बिकॉज पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। King H2 मार दिया, Nc4 एंड Be5। इस इंटरमीडिएट मूव ने क्या कर दिया कि अब सिंपली चेक बंद हो गया और क्वीन पे अटैक है और E4 मर रहा है, राइट। तो उनको वापस जाना पड़ा। अब Nd6 का जो पिन हो गया है, तो क्वीन C5 है, Rd2 ओनली मूव एंड देन D5। इसके बाद मुझे लगता है पोजीशन डेफिनेटली व्हाइट को बेटर है, और जो IQP था, आइसोलेटेड क्वीन पॉन बोर्ड पे था, वो निकल चुका है, वो एक्सचेंज होने वाला है। और साथ ही साथ ये स्क्वायर D4 के लिए, नाइट के लिए आ रहा है, रुक E5 में अच्छा लग रहा है, ये दोनों पीस निकले नहीं है, तो डेफिनेटली वाइट जो है वो स्लाइटली बेटर या फिर बहुत अच्छी खासी पोजीशन में। इसके बाद ये जो गेम हुआ था ना, ये मूव नंबर 52 पे जाके ड्रॉ हो गया था एक्चुअली। बट
बट मुझे ये गेम इंक्लूड करना पड़ा बिकॉज मुझे लगा कि दो महानतम खिलाड़ियों का गेम हुआ था, और डेफिनेटली उस वक्त मैग्नस कार्लसन के लिए गैरी कास्पारोव जैसे प्लेयर के साथ ड्रॉ कर लेना भी बड़ी बात थी। तो डेफिनेटली ये उनकी लाइफ का एक बेस्ट गेम था उस वक्त, राइट। बाद में तो वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग बन गए। इसके बाद हम और आगे जाते हैं, ये पूरा गेम तो नहीं देख पाएंगे, उसके बाद हम आगे जाते हैं। उसके बाद जो मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज द गेम बिटवीन विशी आनंद एंड मैग्नस कार्लसन। आनंद के साथ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ना, सबको याद होगा कि इंडिया में हुई थी 2013 में, और 10 मतलब 12 क्लासिकल राउंड होते हैं पर 10 ही हुए थे। ये 9th गेम है जो एक्चुअली मैग्नस कार्लसन जीत गए थे। इसके बाद जो लास्ट मतलब जो 10th गेम हुआ था वो नाइट एंडिंग आपको पता होगी ड्रॉ हुआ था आराम से। लेकिन इस गेम में एक अच्छी बात लगी थी मुझे कि मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ब्लैक से, क्योंकि हम मैग्नस की तरफ से देख रहे हैं। तो इस गेम में एक अच्छी बात लगी थी कि जैसे ही आनंद ने यहाँ पे F4 खेला तो वाइट का प्लान बहुत क्लियर है कि F5 और F6 करके किंग साइड अटैक करो, बाद में क्वीन को भी एंट्री ला सकते हो आप, ये रुक शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मैग्नस कार्लसन का कैलकुलेशन आप बोलो यार एकदम इंजन के जैसा कैलकुलेट करते हैं, राइट। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप कभी इसका वीडियो देखोगे ना पुराना, जब वो खेल रहे थे लाइव अगर आप देखोगे, वो इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे वो इन पोजीशंस में भी, और इतनी क्विकली मूव्स दे रहे थे, यहाँ इतना मस्त घूम रहे थे आराम से मूव खेलने के बाद। तो उससे पता चलता है कि प्लेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेल रहा है, ये लास्ट राउंड मतलब जीत के वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, एक ही ड्रॉ चाहिए 3 में, तो वो आराम से हो सकती थी। उसके बावजूद टेंशन नहीं ले रहे और आराम से कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है, सीखने लायक है उनसे। B4 खेला यहाँ पे, एक कट B4, एक कट B4, रुक इंटू A6, नाइट इंटू A6, F5। अब देखने को तो ऐसा लग रहा है कि सच में इधर बहुत अटैक हो रहा है, बट उनके कैलकुलेशन मानना पड़ेगा। उन्होंने बगैर टेंशन लिए इधर B3 पुश कर दिया, क्वीन F4, नाइट टू C7, F6, G6, क्वीन H4। अब ऑब्वियसली विशयानंद का लास्ट ट्राई यही है कि यहाँ पे मेट कर लो, बट यार मैग्नस कार्लसन जैसे प्लेयर ऐसे तो शर्मात नहीं करवा लेंगे। हाँ आप नाइट E6 डेफिनेटली नहीं खेल सकते बिकॉज उसमें क्वीन H6, बिशप H3 आके इसको मार सकते हैं, एंड देन मे बी इधर मेट का कुछ चांस है। लेकिन हुआ ये गेम में कि उन्होंने नाइट E8 खेला और G7 को प्रोटेक्ट कर लिया, क्वीन H6 खेला यहाँ पे B2, जो काउंटर है वो बहुत ही अच्छा है उनका, B2 B1, मतलब आप रुक को नहीं यहाँ से अभी छेड़ सकते हो ज्यादा, अदरवाइज व्हाइट के पास एक क्लियर आइडिया था कि रुक इधर आओ और इसको आप बचा ही नहीं सकते हो, राइट। तो यहाँ पे रुक F4 खेला, B1 क्वीन, एंड देन आई थिंक नाइट F1 खेला यहाँ पे विश्वानंद ने। और अब जो व्हाइट का आइडिया है वो क्वीन रुक H4 आके H7 मारना है, तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्वीन E1 खेल दिया। और बोर्ड पे आप देखिए कि दो क्वीन है, अगर आप रुक H4 खेलते हो तो वो क्वीन इन टू H4 मार देंगे, उसके बाद मैग्नस कार्लसन एक रुक अप रहेंगे पूरा और एक पॉन के बदले, तो मुझे लगता है वो आराम से जीत जाएंगे, राइट। यहाँ पे विश्वनाथन आनंद ने रिजाइन कर दिया था इस गेम के लिए। इसके बाद लास्ट राउंड हुआ था जो 10th गेम था, वो ड्रॉ हो गया था एक्चुअली, और मैग्नस कार्लसन पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो ये उनकी लाइफ का डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम था मुझे लगता है, राइट। तो हम जाते हैं अभी अगले पोजीशन की तरफ, और अगले पोजीशन में ये हुआ, ये तो मतलब ये जो गेम है ना ये मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि पोजिशनल चेस में अगर आपको लेसन चाहिए ना तो ये गेम जरूर देखना चाहिए, राइट। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये स्टार्टिंग पोजिशन है, तो एक मिनट मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं। जो एग्जैक्टली मुझे पोजीशन दिखाना है आपको वो मैं सोच रहा हूँ, हाँ करेक्ट, अब मुझे मिल गया। एक एक ये पोजीशन था जो रुक FB8 खेला उन्होंने ब्लैक से, H4 खेला मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे। और एक्चुअली हुआ ये था ना कि इस पोजीशन में पहले मतलब थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली क्या वेट कर रहे थे वो, राइट। तो मूव नंबर 24 पे जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, पॉन टेक्स, रुक टेक्स, नाइट H7। अब नाइट H7 उन्होंने क्यों हटा दिया था यहाँ से, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नस कार्लसन कभी रुक इंटू F6 मार दे और किंग साइड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, और नाइट H5 आ रहा है, क्वीन H6 आ रहा है, G7 पे मेट लग रही है, तो डेफिनेटली इस वक्त हटा लेना चाहिए, राइट। लेकिन मैग्नस कार्लसन का बोलते जैसे कोई टाइगर है या कोई लायन होता है ना, वेट करता रहता है शिकार का कि नहीं कभी ना कभी तो आएगा और एक मौका देगा, और उसी में वो काम तमाम कर देते हैं, राइट। सो बराबर वो वेट कर रहे थे, D4 खेला उन्होंने, थोड़ी देर उन्होंने वेट किया इधर, D4, CD4 और CD4, क्वीन G5। अब इसके बाद नाकामुरा को लगा कि इसके बाद जब क्वीन G5 पे रहेगा आई कैन प्ले नाइट F6, राइट, बिकॉज अब क्वीन बाहर है, पहले क्वीन अंदर था, राइट।
किंग H2 खेला, H2 मर रहा था, G3 मर रहा था उनका, नाइट F6 खेला, BD1 जो बिशप है उसको रीग्रुप कर रहे हैं, और रुक B2 से उसको पिन भी नहीं होने दे रहे। सो रुक FB8 खेला यहाँ पे, H4, क्वीन G6, और इस वक्त देखिए कि उनका अच्छा खासा कंट्रोल है पोजीशन पे। एंड देन जो उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था, राइट राइट टाइम आया और उन्होंने रुक इनटू F6 मार दिया, जी इनटू F6, क्वीन F4। अब इस एक्सचेंज देने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, 1 2 3 4, आप देख सकते हो सभी आइसोलेटेड पॉन है। और इसके बाद एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, मूव नंबर 41 पे नाकामुरा को रिजाइन करना पड़ा था, राइट। तो ये जो उनका अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब एंड गेम के वो बहुत बड़े मास्टर हैं, एंड गेम मतलब बाकी लोगों के बस की बात नहीं है, वो जैसा एंड गेम सोचते हैं तो, राइट। कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते हैं, राइट। चलो ओपनिंग प्रिपरेशन में डेफिनेटली कुछ और प्लेयर होंगे जो उनके बहुत क्लोज आ जाते होंगे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ना उनकी चेस की, पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो मतलब वो ट्रूली गिफ्टेड प्लेयर है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी इतना, अब क्योंकि वो ऐसा नहीं कि 24 घंटा कुछ प्रिपेयर करते रहते हैं, नहीं, उन्होंने खुद बहुत बार बोला है कि मैं मतलब करता हूँ प्रिपरेशन, पर ऐसा नहीं कि मैं दिन भर बैठा हूँ। तो उनके पास एक गॉड गिफ्ट, एक यूनिक स्टाइल है उनका, और एक आज तक जितने भी प्लेयर आए हैं उनमें डेफिनेटली वो जब करियर खत्म करेंगे ना तो वो सबसे ऊपर ही रहेंगे, राइट। तो ये गेम मुझे बहुत सही लगा था, और पोजिशनल चेस को समझने के लिए तो मुझे ये मतलब बहुत ही सही लगा था कि आप एक्सचेंज सेक्रीफाइस ऐसे वक्त दे सकते हो जिसमें ओपोनेंट जो है और लॉन्ग टर्म पे खेल के हराया उनको इस बाद में। उसके बाद एक और बेहतरीन गेम था उनका जो उन्होंने खेला था 2003 में। तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं अब इस पोजीशन में जहां पे ब्लैक ने खेला Nc5, राइट। ही प्लेड Nh6। अब अगर आप उसको नाइट इंटू H6 मारते हो तो क्वीन इंटू H6 आ रहा है, तो क्वीन Ng5 खेला F4। अब रॉयल ओपिस के पोजीशंस में ना, मैंने जो विषयानंद का दो पोजीशंस डाले थे, मैग्नस कार्लसन खुद जो दो गेम हराया था उन्होंने, उसमें दोनों में रॉयल ओपिस हुआ था, और F5 ओपन करना बहुत जरूरी होता है बहुत बार, राइट। क्योंकि सेंटर क्लोज है, क्वीन साइड में व्हाइट कुछ नहीं कर सकता है, तो F4 H4 खेल के ही कुछ ना कुछ होने वाला है, राइट। इंटू F4 मारा, क्वीन इंटू F4, यहाँ पे बिशप इंटू H3 मार दिया। अब देखिए कि जी इंटू H3 नहीं मार सकते क्योंकि ऐसा है ना, 5 पैसे वाला एक थ्रेट लगा हुआ है, नाइट इंटू H3। लेकिन यहाँ पे क्वीन H4 खेला मैग्नस कार्लसन ने, BD7, E5। अब ये जो बिशप है इसको ओपन करने के लिए उन्होंने वो पॉन फ्री दे दिया, राइट। एक बार किसी ने पूछा था मिखाइल ताल को कि व्हाई यू सैक्रिफाइस दैट पॉन, मतलब आपने वो एक पॉन थी एक पोजीशन में वो सैक्रिफाइस क्यों किया। तो मिखाइल ताल ने बोला कि यार वो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे पॉन, तो दे दिया मैंने, राइट। तो ये वैसे वाला ही सिचुएशन है कि आपने पॉन दे दिया। अभी देखेंगे, फाइल ओपन करना, बहुत डायगोनल ओपन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो डी कट E5 मारा, नाइट इन नाइट H5 चेक। अब जैसे ही उन्होंने जी इन टू H5 मारा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बेहतरीन चाल आ गई, क्वीन इन टू G5। और इस क्वीन सेक्रीफाइस के बाद यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप इसको जी इन टू एफ इन टू G5 मारोगे, रुक चेक, किंग इन टू H6 और शह और मात, किंग H8 को भी मेटी हो सकती थी उसमें डेफिनेटली, तो उधर भी नहीं खेल सकते हो आप, किंग H8 को भी रुक H7 मेट हो रही है, क्योंकि ये जो बिशप है ना, जैसे मैंने बोला था कि इस बिशप को ओपन करने के लिए उन्होंने वो पॉन दे दिया था, राइट। तो दोनों ही कंडीशन में आप किंग H6 आओ तो भी मेट हो रही है रुक H7। तो मैग्नस कार्लसन ने, जो हैंस क्रोग प्लेयर है, हैरिस्टन नाम से, 2249 रेटिंग था उनका हालांकि, और मैग्नस कार्लसन उस वक्त सिर्फ 2385 थे, 2003 का गेम है ये, तो बेहतरीन उन्होंने हराया ये पोजीशन उनको। तो मुझे उम्मीद है मैग्नस कार्लसन के टॉप 5 जो पोजीशंस थे वो आपको देख के जरूर मजा आऊंगा, और आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यार आपके पास अगर कोई सजेशन है ना कि कोई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गेम मैंने देखा है लेकिन वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सजेशन कॉमेंट्स में दे दिया करो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उन गेम्स को मैं इंक्लूड करूँ विथ योर नेम कि आपने उसको सजेस्ट किया था, राइट। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, और भी मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी जैसे कि मैंने बताया मिखाइल ताल के बारे में कि वो एक सीरीज डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए, बिकॉज उनके जो जो गेम्स होते थे ना बहुत ही मजेदार होते थे, तो वो एक सीरीज बहुत अच्छी है, बहादुर जुबा वाली सीरीज आप जरूर देखना। मैं कोशिश करूंगा कि मैग्नस कार्लसन को मैं और कवर करूं, और डेफिनेटली उनके जो बेहतरीन गेम्स हुए थे और ज्यादा, और जो बाद में हुए, इसमें मैंने बहुत सारे 2003 2004 वाले भी लिए थे, उसमें मैं कुछ रिसेंट गेम्स भी डेफिनेटली डालूंगा। तो बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, बाय।